कोरोना संक्रमण में अनाथ हुए बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर लगातार बातें हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर इन बच्चों को संरक्षण देने की बात कर रही है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने इन बच्चों के संरक्षण के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब केंद्र सरकार और अन्य राज्यों ने आर्थिक घोषणा भी कर दी है या आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी है, तो राजस्थान सरकार इस मामले में पीछे क्यों रह गई? क्या वाकई इस समय इन बच्चों को आर्थिक पैकेज की भी ज़्यादा ज़रूरत है? इसको लेकर खास बात करने के लिए जो बच्चों को लेकर काम करते हैं, विजय गोयल जी हमारे साथ एक बार समझते हैं। सर, इस समय सरकार ने गाइडलाइन कर दी, जारी कर दी, कहा गया कि राजस्थान सबसे पहला राज्य था जिसने सबसे पहले गाइडलाइन जारी करी, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक पैकेज को लेकर सरकार पीछे रह गई। नहीं, बिल्कुल, देखिए, राजस्थान सरकार ने बहुत सारी योजनाएं थी पहले से जो लागू थी उनको और क्रियान्वित कर दिया। उसके बाद बाल अधिकारिता विभाग ने एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी। बात आती है आर्थिक पैकेज की। हम इन बच्चों के आर्थिक पैकेज की मांग इसलिए कर रहे हैं कि तुरंत तुरंत में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, या वो बच्चे जिनके दादा दादी हैं वो उनके पास आर्थिक रूप से वो बहुत कमज़ोर हैं। ये जो आर्थिक पैकेज की जिसकी हम बात करें, ये आर्थिक पैकेज उनको तात्कालिक राहत देगा। तो तात्कालिक राहत देने के लिए सरकार ने भी कोई घोषणा नहीं की। सरकार के पास जो भी उनने घोषणा की वो उनको लॉन्ग टर्म तक लाभ देंगी। हम तात्कालिक लाभ देने की बात कर रहे हैं कि तुरंत तुरंत बच्चे के पास, कुछ बच्चे के परिजनों के पास, जो भी उसका संरक्षक है, उसके पास जब कुछ पैसा आता है तो वो उसके लिए आगे की योजना बनाने में सहायक होगा। ये जो आर्थिक सहायता है, ये आर्थिक सहायता उसको संबल प्रदान करेगी। अच्छा, अन्य राज्यों की और केंद्र सरकार की बात करते हो तो क्या अन्य राज्य और केंद्र सरकार ने तो आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी है? कई राज्य से कुछ राज्यों ने घोषणा की है, जैसे MP ने घोषणा की है, छत्तीसगढ़ ने घोषणा की है, झारखंड ने, वो घोषणा यदि तुलना करें तो राजस्थान ने उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा घोषणा की, लॉन्ग टर्म की घोषणा की है। तो लॉन्ग टर्म की घोषणा तो किसी और राज्य ने राजस्थान से ज़्यादा नहीं की। उन्होंने कुछ तात्कालिक राहत के लिए घोषणा कर दी। जो तात्कालिक राहत की घोषणा हम राजस्थान सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि तात्कालिक राहत के लिए घोषणा की जाए। अच्छा, PM केयर फंड की बात हो रही है कि PM केयर फंड के तहत भी इनको राहत देने की बात की जा रही है, इससे किस तरह से इनको बेनिफिट मिल पाएगा? PM केयर फंड, पहली चीज तो PM केयर फंड एक वैधानिक संस्था नहीं है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा एकत्रित किया गया एक राशि है जिसका, जो कि वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं है। इसकी अपेक्षा यदि PM राहत कोष जो बना हुआ है, जो वित्त मंत्रालय के द्वारा अधीन है, उससे यदि घोषणा करते तो समझ में आता कि इससे सरकार बच्चों को पैसा। PM केयर फंड तो आज जब तक प्रधानमंत्री हैं, शायद जब तक वो PM केयर फंड रहेगा, मान लीजिए 2024 में PM चेंज हो जाता है, सत्ता चेंज हो जाती है, PM केयर फंड बंद हो गया, तो उस स्थिति में जो बच्चा 10 साल का या 11 साल का है, आपके उस बच्चे को आप कहाँ से पैसा देंगे? बनिस्पत सरकार, प्रधानमंत्री ने जो ये घोषणाएं की हैं, ये सारी घोषणाएं यदि वो किसी विभाग से, किसी मंत्रालय से करते, मान लीजिए बाल विकास विभाग मंत्रालय से कर देते, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से कर देते, या वित्त मंत्रालय से करते, तो यदि इन मंत्रालय के माध्यम से घोषणाएं होती तो इसका पूरा विस्तृत योजना बनती, और योजना बनने के बाद उसको क्रियान्वयन के लिए बजट के तय होता, वो सारी चीज़ें होती। अभी तो आपने बस हवा में ये हवा में गोली चलाने वाली बात हुई कि साहब PM केयर फंड से हम बच्चों को लाभ देंगे। अरे भाई, PM केयर फंड है क्या? जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं तब तक PM केयर फंड है। कल प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहते तो हो सकता है कि PM केयर फंड बंद ही हो जाए। यह विजय गोयल जो बता रहे हैं कि सरकार, चाहे कोशी हो, चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, जो कोरोना संक्रमण की वजह से जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, उनके संरक्षण की या उनके विकास की बात हो रही है, लेकिन जो राहत तत्कालीन है वो राज्य सरकार के स्तर पर, जैसे आर्थिक इस समय ज़रूरत है उनको आर्थिक मदद की, वो राज्य सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। उसकी लगातार मांग करी जा रही है कि सरकार उसको लेकर एक घोषणा करे। साथ ही जो PM केयर फंड की बात हो रही है उसको लेकर भी ये सवाल उठा रहे हैं कि वो जो PM केयर फंड को जिस तरह से दिया जा रहा है वो एक वैधानिक संस्था नहीं, आने वाले समय में उसका कितना लाभ मिल पाएगा उसके ऊपर भी सवाल है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से जिस तरीके से कुदरत ने इन बच्चों के ऊपर जो कहर बरपाया है, इस समय ज़रूरत है कि सरकारें किसी तरह की राजनीति को छोड़े और इन बच्चों के संरक्षण के लिए और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आगे आए। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ETV भारत, जयपुर।